नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ मीन राशि का अगस्त 2019 का राशिफल लेकर। इस वीडियो में विचार करेंगे कि मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त का माह कैसा है। सबसे पहली वाली पॉजिटिव बात कि अगस्त का महीना जुलाई से काफ़ी बेहतर है। अगस्त का महीना आपको एक राहत देगा। उसका मेन कारण ये है कि 10 अगस्त को देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो मार्गी हो रहे हैं, और देव गुरु बृहस्पति आपके लग्नेश व दशमेश होते हैं। क्योंकि जब लग्नेश या दशमेश वक्री होते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको खुद अपने से उलझन होती है, आप काम में बाधा महसूस करते हैं, कार्यस्थल पर बाधा आती है, विवाद का कारण बनता है। तो वो सब प्रॉब्लम आपकी जो 30 अप्रैल से देव गुरु बृहस्पति के वक्री होने से शुरू हुई थी वो अब 10 अगस्त के बाद ख़त्म हो जाएगी। हम इस वीडियो में विचार करेंगे कि मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना क्या लेके आया है। सबसे पहले हम देखें कि मीन राशि, अगर आपकी कुंडली में 12 नंबर में चंद्रमा बैठा है, यानी 12 नंबर में चंद्रमा बैठा है, तो आपकी मीन राशि बनती है। मीन राशि के जातकों के लिए अगर हम ग्रह गोचर देखें तो मिथुन में राहु विराजमान है, और माह के आरंभ में कर्क राशि में बुध, सूर्य, शुक्र व मंगल की उत्पत्ति होगी। 16 अगस्त के बाद सूर्य जो है सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उनकी वहाँ मंगल व शुक्र के साथ युति हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वक्री होकर माह के आरंभ में विराजमान होंगे वृश्चिक राशि में, और 10 अगस्त के बाद जो है मार्गी हो जाएंगे और उनकी लगन पर दृष्टि होगी। धनु राशि में शनि महाराज विद्यमान हैं, जिनकी केतु के साथ होती है। शनि महाराज अभी जो है वक्री अवस्था में हैं। अब हम देखें कि मीन राशि वालों के लिए क्या क्या है अगस्त के माह में। तो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात कि आपके देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में मीन राशि है और दशम भाव में धनु राशि है, दोनों के स्वामी होते हैं गुरु, वो गुरु मार्गी हो गए हैं, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आपके लिए काम के नए रास्ते खुलेंगे। काम में जो आप बार बार रुकावट महसूस कर रहे थे, काम की गति धीमी थी, वो काम की गति बढ़ेगी। और अद्भुत बात देखिए कि आपका जो भाग्येश है मंगल, भाग्येश मंगल पहले तो माह के आरंभ में पंचम में होंगे और उन पर आपके लग्नेश गुरु की दृष्टि होगी। उसके बाद भाग्येश मंगल आपके छठे भाव में आ जाएंगे सिंह राशि में, और फिर उनकी आपके भाग्य भाव पर दृष्टि होगी। यानी भाग्य का बहुत बड़ा साथ आपको मिल रहा है मीन राशि के जातकों को, और उनके भाग्य का साथ जोरदार है, इसलिए उनके काफ़ी काम होने की संभावना है। क्योंकि लग्नेश गुरु आपके मार्गी हो गए हैं और उनकी आपके लगन पर दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 लगन पर दृष्टि, 6, 7, 8, 9 पंचम पर दृष्टि, जो इस बात का संकेत दे रही है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी सोच पॉजिटिव होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके अंदर जो विरोधाभास था कि हम इस काम को करें या ना करें उससे आप बाहर निकलेंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए समय उत्तम है क्योंकि पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि आ गई। आपके विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय उत्तम है, विद्यार्थी वर्ग का मन पढ़ाई में लगेगा, उनको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। साथ ही क्योंकि देव गुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं तो इसलिए मीन राशि के जो जातक जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे उनको जॉब मिल सकती है, और जो जातक चाहते थे कि वो वर्तमान जॉब को बदल लें तो 10 अगस्त के बाद उनके पास समय है। विशेषकर 16 अगस्त के बाद अगर वो जॉब को बदलते हैं तो उनके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 16 अगस्त का बाद का समय विशेष शुभ फलदायी है। सूर्य अपनी सिंह राशि में छठे भाव में विद्यमान होंगे। सरकार से जुड़े लोग जो सरकारी नौकरी में हैं, जिनका सरकारी कामों में वास्ता पड़ता है, उनके लिए सरकार से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है, आपको उस काम में सफलता मिल सकती है। ये बात जरूर है क्योंकि शुक्र आपके छठे भाव में विद्यमान है, शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश जरूर करेंगे, पर अंततः क्योंकि सूर्य व मंगल भी वहाँ विद्यमान है इसलिए शत्रु आपसे परास्त होंगे और आप शत्रुओं पर विजय हासिल कर सकेंगे। और जहाँ तक हम बात करें मित्रों की, तो मित्रों से आपको लाभ मिलता दिख रहा है, आपकी कई तरह की यात्राएँ होंगी, यात्रा से भी आपको लाभ मिलेगा। और धन के मामले की अगर विचार करें तो धनेश मंगल वाला भेष शनि का दृष्टि संबंध बन रहा है, जो धन के लिए बड़ी उत्तम स्थिति निकल कर आ रही है। दाम्पत्य जीवन सुखी होगा, पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा। पर एक मुख्य बात, क्योंकि मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4 आपके अष्टम पर आ गई है, वाहन को सावधानी से चलाएं, गुस्से पर नियंत्रण रखें।
और ये समय है परिवार के साथ घूमने फिरने का, मौज मस्ती करने का, यानी एक अच्छा समय है। इस अच्छे समय को निकालिए। अगर आप बाहर विदेश यात्रा पे जाना चाहते हैं तो विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा समय है। इसके अलावा काम को लेके आपको जो परेशानी चल रही थी, कार्यस्थल पर आपके लोगों से विवाद हो रहे थे, आप काम में बैठते थे, मन नहीं लगता था, वो सब चीज़ें 10 अगस्त के बाद गुरु के मार्गी होते सही हो जाएंगी। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके मित्र आपके काम में सहायता देंगे। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप में नई एनर्जी जनरेट होगी और आपको नई सोच मिलेगी। बस वाहन सावधानी से चलाइए, आपका दंपत्य जीवन सुखी रहेगा, पति पत्नी में आपस में संबंध अच्छे होंगे, प्रेम संबंध उत्तम होने की संभावना है। बस थोड़े शत्रुओं से सावधान रहिएगा, पर शत्रु आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएंगे, पर आपको कुछ मानसिक टेंशन जरूर दे सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि मीन राशि के जातकों के लिए वो शुभ तिथियाँ कौन सी हैं, जिनका निर्धारण मैंने किया है कि जब चंद्रमा आपका मीन में होगा, वृषभ में होगा, सिंह में होगा, कन्या में होगा, धनु में होगा, मकर में होगा। ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि चंद्रमा हमारा मन का कारक है। अगर चंद्रमा हमारा पॉजिटिव है तो हमारी सोच पॉजिटिव, हमारे डिसीजन सही, हमारे काम करने का उत्साह दुगना। तो ऐसी स्थिति में अगर हम काम करते हैं तो उसके काम होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये मैं आपको तिथियां बता रही हूँ जब आपका चंद्रमा पॉजिटिव है, उस दिन आपको महत्वपूर्ण निर्णय लें, किसी से मुलाकात कर सकते हैं, कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, कहीं यात्रा का विचार कर सकते हैं। तो यानी आपको इन तिथियों का अगर आप विचार करेंगे तो उसमें कार्य होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब मैं आपको मीन राशि के जातकों के लिए वो शुभ तिथियाँ बताती हूँ जो अगस्त के माह में निकल कर आई हैं। 2 व 3 अगस्त, 4 व 5 अगस्त, 11 व 12 अगस्त, 13 व 14 अगस्त, 15 व 18 अगस्त, 19 व 23 अगस्त, 24 व 30 अगस्त व 31 अगस्त वो शुभ तिथियाँ हैं। कि इन तिथियों का आप विचार करेंगे और इन तिथियों में अपने कार्य करने का प्लान करेंगे तो उसके कार्य की होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ अशुभ तिथियाँ बता रही हूँ जो चंद्रमा आपका चौथे घर का होगा, 8वें घर का होगा या 12वें घर का होगा। चंद्रमा चौथे घर का मतलब हुआ या तो चंद्रमा आपका मिथुन राशि का, या चंद्रमा आपका तुला राशि का, या चंद्रमा आपका जब कुंभ राशि का होगा तो वह समय थोड़ा सा परेशानी भरा है। क्योंकि चंद्रमा जब नेगेटिव होता है तो ऐसी स्थिति में हमें कोई महत्वपूर्ण कार्य का विचार नहीं करना चाहिए। हमारे मन में कई शक शुभ आते हैं, हमारा काम होगा या नहीं होगा, इन सब ये समय ऐसा है कि हम किसी नए काम का विचार ना करें, किसी से मुलाकात करनी हो तो टालें, यात्रा को टालें, वाहन सावधानी से चलाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और किसी से विवाद से बचें, कोशिश करें। अब मैं आपको वह शुभ तिथियाँ बता रही हूँ, 6 व 7 अगस्त, 16 व 17 अगस्त, 26 व 27 अगस्त वह शुभ तिथियाँ हैं जब आपका चंद्रमा पॉजिटिव नहीं होगा। कोशिश करें इन तिथियों पर किसी महत्वपूर्ण कार्य का विचार न करें। इस प्रकार हमने देखा कि मीन राशि वालों के जातकों के लिए अगस्त का महीना काफ़ी कुछ राहत लेके आया है, एक राहत भरा समय है आपके लिए। काम को लेकर, कार्यस्थल पर आपको जो बाधा चल रही थी, आपको हेल्थ की जो प्रॉब्लम चल रही थी, उन सब प्रॉब्लमों से आपसे निदान बनेगा। लग्नेश गुरु आपके मार्गी हो गए, काम के रास्ते खुल रहे हैं, भाग्य का साथ मिल रहा है, हेल्थ अच्छी है, जॉब आपको नहीं मिल सकती है, आप वर्तमान जॉब को बदलिए, विशेषकर 16 अगस्त के बाद विदेश यात्रा हो सकती है, परिवार के संग बहुत अच्छा समय है। इस प्रकार ओवरऑल मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त का माह काफ़ी बढ़िया निकल कर आया है। इसके साथ ही दर्शकों, अगर आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस दे सकते हैं, मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। पर प्रश्न पूछने के बाद मेरी आपसे प्रार्थना है कि थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मुझे प्रश्न का जवाब देने में समय लगता है क्योंकि मुझे सभी के प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।